Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome students, this is Nitin Sharma and our today's topic is about probability. Okay, so you have heard this term in the previous class. Okay, so हमें probability जो main जो है वो हमें इसके बारे में देखना है. That is about the one point and two points. So पहले हम one point की probability की बात करते हैं कि one point को अगर हम toss करते हैं, if you flip the one point, there are two possible outcomes. Okay, either you will get head or either you will get tail. Okay, so there are two outcomes. या तो क्या आ सकता है, head आ सकता है या क्या आ सकता है, tail आ सकता है. If you have two coins में आपकी कितनी possibility रहेंगी, यानी कि कितने outcomes रहेंगे, इसमें आपकी जो outcomes हैं उनकी हम बात करें तो आपको total number of outcomes कितने मिले, two. Okay, so अगर हम two coins की बात करें, कि two coins को अगर आप flip करते हो तो आपके पास general outcomes कितने आ सकते हैं, that is आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, two times h, two times t, one time h, one time t, one time h and one time t. So total you have four number of outcomes. यानी कि आप दो सिक्के उछालो तो first में क्या आ सकता है, head आ सकता है, next में भी क्या आ सकता है, head आ सकता है. First में head आ सकता है and second में tail आ सकता है. First में tail and second में head and दोनों में tail आ सकता है. So total number of outcomes आपके पास कितने रहेंगे, four. Then after हम बात करते हैं dice. So अगर हम dice को roll करते हैं, dice you know very well, that is used to play ludo. So dice की अगर हम बात करें तो dice को अगर आप roll करते हो तो उसमें कितने number of outcomes आ सकते हैं, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So dice में हमारे कितने number of outcomes रहेंगे, that is 6 numbers of outcomes आएंगे. Okay, so ये बात हो गई आपके dice की. नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज फॉर अबाउट कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स. प्लेइंग कार्ड्स आपने सुना होगा, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज ऑफ 52 कार्ड्स. ठीक है, जिसमें जो है 26 कार्ड्स जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, ब्लैक, एंड 26 कार्ड्स आर रेड इन कलर्स. ओके, जनरली आपको कलर्स का नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पूछ सकते हैं अबाउट एस. एस जिसे हम बोलते हैं एक का. सो कार्ड में आपके ये नॉलेज होना जरूरी है, दैट इज एस के कितने कार्ड्स होते हैं. तो एस के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, फोर कार्ड्स होते हैं, जिसमें से टू कार्ड्स आपके ब्लैक के होते हैं, दैट इज स्पेड एंड क्लब. ओके, एक स्पेड का होता है, स्पेड इज लाइक दिस एंड क्लब. स्पेड एंड क्लब दोनों का प्रेजेंट होता है. एंड जो टू कार्ड रेड्स होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट वन इज डायमंड एंड सेकंड वन इज ऑफ हार्ट. सो टू कार्ड्स जो ए के प्रेजेंट होते हैं फॉर एस, दैट इज दिस टू, एंड टू कार्ड्स जो रेड के प्रेजेंट होते हैं, दैट इज दिस वन. ओके, सो ये कार्ड्स को आपकी नॉलेज होना जरूरी है, दैट इज देयर आर टोटल फोर नंबर ऑफ एस प्रेजेंट इन हियर. ओके, सो इफ वी टॉस वन कॉइन देन वी हैव टू नंबर ऑफ आउटकम्स, इफ वी टॉस टू कॉइंस देन वी हैव फोर नंबर ऑफ आउटकम्स, एंड इफ वी रोल वन डाई देन देयर आर टोटल सिक्स नंबर ऑफ आउटकम्स. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं अबाउट हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. ओके, कोई भी इवेंट जो हो रहा है आपका, सपोज हमने वन पॉइंट उछाला, तो वन पॉइंट जब आपने फ्लिप किया, आपने देखा कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी आ रही थी, टू आ रही थी. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि हेड आने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वन पॉइंट में आपका हेड कितनी बार है, वन है, एंड वी हैव टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर टू. सो आपकी हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, 1/2, और यू कैन से 50%. देन नेक्स्ट वन इज सपोज यू हैव थ्री रेड बॉल्स, थ्री ब्लू बॉल्स
एंड फाइव एलोन्स. सो और आपने किसी बॉक्स में उसको रखा हुआ है. ऑल बॉल्स आर सेम आइडेंटिकल. ओके, और आप रैंडमली बिना देखे उसमें से कोई बॉल आप उठा रहे हैं. सो वो बॉल येलो हो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. अगर वो बॉल येलो हो तो येलो बॉल पहले हमें क्या निकालना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या होगा आपका, 3 + 3 + 5, दैट इज 5 + 3 = 8, 8 + 3 = 11. सो अब वो येलो बॉल हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो येलो बॉल हमारे पास कितनी है, 5, एंड वी हैव द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 11. सो येलो बॉल को उसकी पॉसिबिलिटी आपकी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल इज इक्वल टू 5/11. अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड बॉल हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो वी हैव रेड बॉल आर 3 नंबर्स एंड वी हैव टोटल बॉल्स आर 11. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज इक्वल टू 3/11. This is same as the probability of getting a blue ball because we have the same number of blue ball as that of red. So blue ball are uski bhi probability kya hogi, to blue ball hamare paas kitni present hai, 3, and we have total numbers of balls are 11. So agar aapse aisa pucha jaye non blue ball aaye uski probability kitni hogi. अगर मैं रैंडमली कोई बॉल उठा रहा हूं और वो नॉन ब्लू बॉल हो, यानी कि ब्लू बॉल ना हो, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी. सो नॉन ब्लू बॉल हमारे पास कितनी है, दैट इज 5 + 3 = 8, बिकॉज 3 आर ब्लू बॉल्स एंड रिमेनिंग 5 + 3 = 8 आर नॉन ब्लू बॉल्स. सो दिस इज 8/, एंड वी हैव टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 11. इज इट क्लियर. तो आप मेरे को बताइए क्या था नॉन येलो बॉल को उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन येलो बॉल. सो नॉन येलो बॉल में आपको येलो बॉल नहीं चाहिए, तो रिमेनिंग कितनी रही आपकी, 3 + 3 = 6. सो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, न्यूमिरेटर में 6 एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, दैट इज 6/11. इज इट क्लियर.